तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैन लाइफ इंडियन कपल। तो कल रात आपने देखा ही था कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे और उस टाइम बारिश शुरू हो गई, तो पार्टी बीच में ही रोकनी पड़ी और उसकी वजह से अभी थोड़ी बहुत ठंड भी हो गई है। तो दीपक तो अभी सो रहे हैं, तो मैं तब तक नींबू पानी प्रिपेयर करती हूँ, फिर उठाती हूँ दीपक को। और आज एक और एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने वाली है, वो है पुष्कर जी और नेहा की। तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि मेमोरेबल बनाए, क्योंकि ऐसा मौका कभी भी मिलता है कि ऐसे सतपुड़ा के जंगलों में आने के बाद हम किसी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू जी। तो फिर आज तो मेरा फास्ट है और आज एनिवर्सरी भी है। कोई चल, कोई नहीं, तो देर में निकलते हैं बाहर, उठने तो लग गए हैं बाहर ना भी। तो गाइस, जब तक हम चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं, तब तक आप इस इलाके के सुंदर ड्रोन शॉट देखें। तो फ्रेंड्स, इस सुंदर इलाके का नाम है कपिलधारा, जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में लोकेटेड है। यह लोकेशन एक डेजिग्नेटेड जगह है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जहां पर परमिशन और एंट्री फीस देकर कैंपिंग कर सकते हैं। बस यह इंश्योर करना जरूरी है कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हम जंगल के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और कोई भी ऐसा काम न करें जिससे यहाँ की इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग, पूजा बोलूंगा। बताओ क्या बना रहे हो? ये नोक झोंक। जोर से मार। ये सर चोंग झोंक। हाँ, चोंग झोंक। हाँ, नोक झोंक तो नहीं बोलेंगे। नाश्ता बताओ क्या खिला रहे हो? क्या नए नए शब्द सर, बहुत सारे ऐड होते जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि एक होता है खर्राटे, हाँ, पर हमने नया शब्द ढूंढा सुर्राटे, मतलब सुर में होते हैं ना एकदम। किसके हारे थे? हमारे भी हारे थे। वो तो मैं झेलता रहता हूँ, मुझे पता है। ये देखो भाई, कैंपिंग में भी चल रही है वैक्सिंग। तो गाइस, ये है न्यू एडिशन हमारी कैंपिंग के लिए। तो होल्डिंग अम्ब्रेला हमारी भी अनिंग बन गई है। ऑनिंग है हमारे पास, वो भी लगा नहीं रहे दूसरी वाली। तो फिर शुरू हुई ब्रेकफास्ट की तैयारी, जिसमें आज डिसाइड हुआ कि मिलजुल कर गोभी के पराठे बनाए जाएं। हो गया सेट। चाय वगैरह बना दो पहले। मुझे आपको तो निकली नहीं है, आप कह रहे थे बाहर। आज एनिवर्सरी विश कर दिया। अरे अरे भैया, तो आज रात को ऐसे निकली नहीं, पता नहीं क्या कर रही हो। वेरी हैप्पी वेडिंग। ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, गोभी के पराठे खाएंगी। अरे गजब, गोभी के पराठे। हाँ, आज पूजा और मिलके बना रहे हैं। अच्छा पूजा, हाँ। अरे पूजा, हाँ? हाँ? पाइनएप्पल जैम लगाया है। अच्छा, ओके ओके। और सारे डकैतों ने मिल बांट के खाया। डकैतों ने? अरे पुष्कर जी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। पहले तो जैम तो खिला दिया मैंने आपको, और वेडिंग एनिवर्सरी मुंह मीठा तो करवा दिया। तो वही आज बन रहे गोभी के पराठे। कंबाइंड किचन है आज। हां, आज जॉइंट किचन। तो मैं यहां से गोभी प्रिपेयर करके उनको दूंगी। बस अब एक जन मिला के टेस्ट कर ले, फिर जब भरेंगे तब नहीं गरम मसाला मत डालिए, अभी लहसुन डालूंगी थोड़ा सा। जीरा बन पाउडर। अच्छा लहसुन, अरे वो जीरा बन पाउडर, ठीक है। लहसुन क्यों भाभी? इसमें पूजा भाभी, इसमें जो जीरा बन पाउडर। भाभी भाभी नहीं करता है कितना भी कुछ। तड़का के लिए यही होता है। क्या बात, अरे वाह क्या बात, लड़की काम की है। मम्मी मम्मी पास जाना, मैं बता दूंगी। हमारी मम्मी जे के आए, अब इसको भी धोना पड़ेगा, इसे तो चक टक टक टक। इसे मतलब ऐसे हो जाता है ना सीधा, बिल्कुल उसके।
तो भी दिखा रही काम करती है अभी करती है दिखाना नहीं है हमारा कॉमेडी किचन है तो वही शुरू हो गया फिर हमारा सर क्या करें बताइए लोगों का प्रेशर इतना है ना मतलब चूल्हे के एकदम बढ़िया जैसे ही पराठों की खुशबू चारों तरफ फैली सारे कैंपर्स हमारी तरफ खींचे चले आए और पराठे टेस्ट करने के बाद किचन का हिस्सा भी बन गए ओके बिल्कुल बिल्कुल तो पराठे बनाते बनाते जब हमारी नजर अंगीठी पर पड़ी तो वहाँ विवेक जी की जगह पूजा पराठे सेकते हुए नजर आई और ढूंढने पर विवेक जी यहाँ मिले तो आपको दिखाते हैं तो ये विवेक जी ब्रश करते हुए तो विवेक जी सोराटे बोल रही थी वो सोराटे भी सुनाई दे रहे तो हैवी ब्रेकफास्ट के बाद सब अपने अपने मॉर्निंग रूटीन में बिजी हो गए एक कोने में गॉसिप सेशन चल रहा था और हमारी वैन में गर्ल्स ग्रूमिंग सेशन तो यहाँ चल रहा है कुछ मेकअप अनिल उधर क्या कर रहे हो आप दिखाओ आपके हाथ में क्या लगा हुआ है वाओ ठीक है गुड थैंक यू बोलो आंटी को लेग पे लगानी है लगाओ 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 लेग पे नहीं आप भी तो लगाती हो भैया मम्मा जो करती है तो वो भी करेगी सब कुछ लगा यहाँ रखो आ लगी गर्ल क्यूट लग लगी अभी कितनी उसके फेस में चमक देखो रे और शैतान आंखों शैतानी ही बहुत है शैतान जी और फेस में पूरी चमक तो आज मेरा फास्ट है और दीपक मेरे लिए आज फ्रूट्स काट रहे हैं पूरे कितना काम करवाती है हां मैं और मैं नेल पेंट लगा रही थी बैठ के मैंने अपना नेल पेंट लगाया है तो फ्रेंड्स जब तक मैंने वैन को थोड़ा अरेंज किया तब तक दीपक ने मेरे लंच के लिए मूंगफली मखाने रोस्ट कर दिए अब क्या बन रहा है गाने भी चल रहे हैं तुम्हारे काट दे तो भाई आज जैसे ही आपको बताया कि रुचि का फास्ट है तो मेरे लिए आ गया लंच दो जगह से यह है ईशान के वहाँ से हरे प्याज की सब्जी रोटी एंड पुलाव आया है कहाँ से अभी पुलाव नेहा ने बनाया ओके जिसकी आज एनिवर्सरी है तो आज वैरायटी होगी फिर से सुबह फ्रेश हो गए रुचि नहाने गई है भाई आज रुचि का मन करा है कि गांव की गोरी बनने का अच्छा। पनगढ़ में जा रही है पनगढ़ में जा रही है कपड़े धोने के लिए बस हो गया भैया चलो जी मुझे वो दे दो थोड़ा सा नील नील हाँ नील लाता काम करते हैं वॉच खोल दो पहले बहुत है गांव की गोरी धोने के लिए कपड़े हाँ गांव की गोरी गई तो भाई हमारी आज वैन में ईशान आया है ईशान ने टेकन अ वंडरफुल वैन टूर इसका मैं लिंक दे दूंगा इसके चैनल में जाके पक्का देख लेना हाँ बिकॉज हमने अपना खुद वैन टूर नहीं दिया अभी तक हाँ तो प्लीज उसके ईशान के चैनल में जाके देखिए एक लाइक देना एक कमेंट बनता है पक्का मेरा चैनल है ग्रिगेरियस ईशान आई एम देयर ऑन इंस्टाग्राम ऑन यूट्यूब आल्सो ओके तो हम लोग बहुत ही जल्दी से एक धमाकेदार कंटेंट के साथ आ रहे हैं तो आप जरूर उसको मिस पक्का भाई पक्का बिल्कुल मैं सबको बोलूंगा प्लीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में पक्का बोलना कि आप वैन लाइफ इंडियन कपल से चैनल में आए आपके थैंक यू सो मच थैंक यू गॉड ब्लेस शाम के टाइम हम सब चल दिए जंगल सफारी करने के लिए इस रूट में हमने काफी सारे ग्रासलैंड्स और वाटर पॉइंट्स देखे हालांकि कोई वाइल्ड लाइफ नजर नहीं आई बट जंगल में ऑफरोडिंग करके बहुत ही मजा आया तो गाइस फाइनली जंगल सफारी से वापस आ गए हैं पर दिखा कुछ भी नहीं हाँ जी आपको फ्रूट काट रहे थे ना मुझे वो टेक्ची दो ना प्लीज तो नहीं तो ना मैं मीठा चावल तो मैंने मैं भी गंजी सी यही चाहिए बस अनुपम जी आज हम उधर थोड़ा आए नहीं था बोर हो गए हम इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि भैया अभी ये क्या बन रहा है तो सर आज तो ना एक भव्य जश्न की तैयारी हो रही है और जश्न बिना अच्छे भोजन के पूर्ण नहीं होता एब्सोल्युटली तो आज जो देखिए इधर बहुत बढ़िया मक्की की टिकिया बनने वाली है
और इसका स्वाद तो पहले भी ले चुके हैं बिसलपुर में। जगह का और आनंद होता है। तो इस जगह जहाँ पर आज हम हैं, जिन लोगों के साथ है, उसमें मतलब संगत का आज आनंद होने वाला है। चलो आप एक शेर तो सुना दो फिर आपका। कैसे? वैसे ही सुना दे। हाँ सुना दो भैया। हाँ देख वरना वो खाज दे रहे हैं। देखा उजली कौन देगा फिर? आ गया। ये लो लो जरा टिक्की खाइए। हम तो याया पर हैं। ओके। अकेले रहना हमारी फितरत नहीं। क्या बात है यार। हम तो याया पर हैं, अकेले रहना हमारी फितरत नहीं। शाम हमारी हमेशा रंगीन, रात सुकून से गुजरती है। उठते हैं जब तो सुबह कड़ोरों में होती है। वो कड़ोर कौन? एक कुदरत होती है दूसरे यार। आप दोनों के ब्लॉग में बंदा इकट्ठा हाजिर है, दो तीन शेर लेके। अशार मेरे यूं तो, ओके अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए। भैया आप लोगों के लिए शेर है। और भाई भैया मैडम मैडम आप लोगों के लिए शेर अर्ज कर रहे हैं आखिरी बार। इरशाद अली थूथू थूथू इरशाद अली थूथू मोहतरमा मोहतरमा बा आवाज बुलंद शेर पढ़ा जाए। आवाज बुलंद अभी सुनते ही मैं चला जा। अशार मेरे यूं तो, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। और आँखों में जो भर लोगे तो कांटों से चुभेंगे ये अश्क, तो पलकों पे सजाने के लिए। वाह 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 वाह। कि पूरी रात आज जो है अंधेरे की है, पूरी रात आज अंधेरे की है, और हमारे भाई को पूनम की याद आ रहा है। एक मिनट बात है। अभी हाल में एक फिल्म आई थी वो गंगू भाई, उसमें गाना आया बड़ा ओल्ड पैटर्न पे, मेरी जान तो क्या है वो बात सुनहरी, क्या लिरिक्स मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर उसमें जो मेरी जान। वाह 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 बहुत बढ़िया। ये नहीं बनी मैंने कि आज के ब्लॉग के एपिसोड में मिसना हो गया। अरे इस कदर नसीली आंखों से गौर से देखा ना करो, इस कदर नसीली आंखों से गौर से देखा ना करो, डर भी लगता है मोहब्बत भी होती है। डर भी लगता है मोहब्बत भी होती है। कभी लगता है इन निगाहों को गले से लगा लूं, निगाह गले लगती नहीं पर लगा लूं, कभी लगता है इनसे भाग के कुछ और चुरा लूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अभी लिखी ये सर्द रात, ये आवारगी और ये नींद का बोझ, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। वाह वाह भाई की एनिवर्सरी पर उनसे रहा नहीं गया। जाओ ना, देखिए पक्की तल रही है गरम गरम। किसी कचौरी? मक्की कचौरी। रोजी रोटी वाला काम है जी। बिल्कुल भाई, हमें तो होटल चलाना ही है। हाँ, ये हमारे काम का हिस्सा है। बुधनी का सबसे बड़ा होटल है? नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बुधनी का बड़ा होटल है। नहीं एमपी का भी हो जाएगा जल्दी, बड़े हलवाई। बहुत बढ़िया था। बस यही ऐसे कर करके हमने सीखा है। आपने क्या डाला इसमें? तो आंटी क्या बोलेंगी अभी टिक्की के बारे में? थैंक यू। और बनाने वाले हैं हमारे विवेक जी और पूजा। थैंक यू पूजा। और देखो कितना बड़ा इसका, अभी तो बताए कितनी बनेगी। हम हेल्पर हैं सारे, हम हेल्पर हैं सारे सर, ये बिना हेल्पर के बन नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात तो पुष्कर जी हमारे, जिसकी एनिवर्सरी बेचारे को उनको तलने में लगाया हुआ हमने। ये आप ना बार बार मेरे को एनिवर्सरी बोल के बेचारा भी बना दिया। सही विशेषण लगा रहे हैं। बेचारे पुष्कर पता होती है कि आपकी एनिवर्सरी है। कुछ कर ही नहीं पाए आप? अभी करेंगे, अभी अभी तो शुरू होना है। अभी कर रही है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? अभी बस ये खाना। तारों में करके इशारा, तुझ सारा जहां है तुम्हारा। या हमारी पहलवान, अरे सॉरी हमारी किनार
ये चंचल। अरे मनीषा जी हमारी मनीषा क्यूट मनीषा जी मनीषा जी हमारी पहलवान भाभी। नहीं नहीं अब बोल दिया नहीं बोलना पर नहीं बोलना हमारी मनीषा जी। अरे रुचि भाभी नीचे आओ जल्दी से। मैं बस एक बात बोलना चाहता हूँ, ये रिकॉर्ड हो गया है। हाँ रिकॉर्ड कर भाई बिल्कुल। इधर आगे 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 आओ आगे आओ सामने आओ। मेरे रिकॉर्ड में नहीं फोन कर रहा है भैया। हम दोनों के साथ में दोनों भाई जो हाँ बिल्कुल हम दोनों हाँ मतलब भाई बिल्कुल बिल्कुल भाई है। हम दोनों भाई के साथ में खुशी का कारण पता है क्या है? तो भाई सेलिब्रेशन हो रहा है पुष्कर भाई है नेहा पुष्कर भाई है नेहा की आज एनिवर्सरी है और इतने अच्छे माहौल में आज ये एनिवर्सरी हम सब मना रहे हैं। सारे काट दिए गए हैं सारे काट दिए गए हैं। ओके नेहा एंड पुष्कर आज शादी में डांस किया हां बिल्कुल थ्री केल फॉर नेहा एंड पुष्कर पुष्कर भाई हैप्पी एनिवर्सरी। इसे कहते हैं शादी के बाद ये आप लोगों के लिए सीख है। ये पहले तो शादी करें ना पहले तो और करें तो एनिवर्सरी से बचे। हम लगाया तो शादी करेंगे और ऐसे लोगों की संगत से तो बिल्कुल ही बचे। एक और दे रुचि रुचि एक और दे ये मेरा दिल है शहर की नदी है तू कीमती है तू आज का दिल है ये रूप अलग है हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे जिंदगी इधर राजा हम तुझे सवारेंगे अब साल पूनम में जब तू आएगा। पूनम जी पूनम जी कौन है ये पूनम जी। तो गाइस ये है एडवांटेज ट्रेवलिंग का जिसमें आप नई नई लोकेशंस पर इतने सारे अलग अलग लोगों से मिलते हैं और जिनसे मिलते तो पहली बार है पर लगता है कितना पुराना याराना है और इसी तरह ऐसे कनेक्शन जुड़ जाते हैं जो एक ट्रिप के लिए ही नहीं पूरी जिंदगी के लिए बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इन खूबसूरत पलों को इस सुंदर गाने के साथ कुछ और मेमोरीज बनाते हुए आज के व्लॉग का एंड करते हैं। आशा करते हैं यह व्लॉग आपको पसंद आया होगा। हमें और मोटिवेट करने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कुछ नए अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक खुश रहें और स्वस्थ रहें।